मेरे प्रिय वत्स, मैं ब्रह्मांड हूँ और मैं तुम्हारे मन को भेद सकता हूँ। मेरा यह संदेश तुम्हें संजोग से प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे प्रिय यह संदेश मैंने तुम तक पहुँचाया है। इस संदेश को सुनते समय जो भी इच्छा तुम अपने मन में रखोगे, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा, यह मेरा वचन है। प्रिय वत्स, तुम कल्पनाओं की दुनिया में अक्सर जीते हो। किसी एक बात को इतना सोचते हो, इतना अधिक सोचते हो कि वह बात पूर्ण होने से पहले समाप्त हो जाती है। अपने मन से हर शंका को दूर कर दो। खुद के किए कार्यों पर खुद को कोसना बंद कर दो। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम केवल एक माध्यम हो। जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो निश्चित है वही हो रहा है। तुम केवल एक माध्यम हो। तुम्हारा संपूर्ण भविष्य मैंने सुनिश्चित कर दिया है पहले से। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कार्य हो रहे हैं। जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होकर ही रहेगा, इस बात को तुम आज मान लो। कुछ कदम तुमने ऐसे उठाए जिसका नुकसान तुम्हें सहना पड़ा। तुम्हारे मन में चिंता है, खुद को कोसते हो, काश मैं वैसा उस समय ना करता। परंतु यह मर्जी तुम्हारी नहीं थी, यह मर्जी स्वयं ब्रह्मांड की थी। तुम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो, नित्य नियम से अपने कर्म कर रहे हो, और भविष्य में भी तुम अच्छे विचारों के साथ अपने कर्मों को करो। तुम्हारे भविष्य में छुपा है गहरा रहस्य, जल्द ही तुम्हारे सामने बहुत कुछ साफ होने वाला है। तैयार रहो परिवर्तन।